दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन समारोह कर दिया और सेनेगल को राजदंड की तरह वहां पे प्रतिष्ठापन कर दिए। मगर मुझे अफसोस इस बात से है कि लास्ट मिनट तक अपोजिशन के नाम पे ये आम आदमी पार्टी लेकर जो 19 पार्टीज है उनके प्रवक्ता टीवी में आकर इतना नीचे गिर गया कि शायद किसी देश में ऐसा अपोजिशन होगी मुझे नहीं मालूम। मगर ये लोग पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं इनविटेशन दिया, उनसे क्यों नहीं करवा रहे पार्लियामेंट बिल्डिंग का ओपनिंग के लिए। तो क्या कुछ टाइम तक ये लोग इसको लेडीज इश्यू बना दिया, वुमेन्स राइट बना दिया, मगर ये लोग हर बात रफेल से लेकर आज न्यू बिल्डिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग ओपन तक ये लोग सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा खटकाया है। ये समझते हैं कि टेररिस्टों के लिए जब ये दरवाज़ा खुलेगी तो क्यों ना हमारे लिए क्यों नहीं खुलती बोल के हर बात पर सुप्रीम कोर्ट करती है। मगर इन लोगों को शर्मिंदगी भी फील नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट हर बार इनको गलत ठहराया, क्योंकि ये लोग टीवी पे आकर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि पीएम ही करना है इनॉग्रेशन बोल के कहाँ लिखा है बोल के आर्टिकल 79, 75, 54 ऐसा पढ़ रहे हैं। मगर बेवकूफों, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, तुम सेंट्रल फ्रेमवर्क को ही भूल गए हो, क्या कहती है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर इस ब्रिटिशर्स ने प्राइम मिनिस्टर तब के काल में जो सरदार वल्लभभाई पटेल को जनता ने चुना तो गांधी जी के लॉबी से जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, उनको ट्रांसफ़र ऑफ कर दिया। क्योंकि ब्रिटिशर ये चाहते हैं कि जनता समझे कि सच्ची में ब्रिटिशर्स जोर के जरे गए, क्या जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखे गए हमको पहले एक गवर्नर जनरल था राजा जी, तो पहले जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुए थे तब तो प्रेसिडेंट ही नहीं थे देश में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनी गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हर एक व्यक्ति एक एक चेयरमैन बना, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने ड्राफ्ट स्टीयरिंग कमिटी का चेयरमैन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट्स फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोसीजर्स का चेयरमैन था, और ही यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी का भी चेयरमैन था। ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन अंबेडकर जी था और यूनियन पावर और कमिटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। तो कभी तब तक कोई प्रेसिडेंट जो ऊपर रहे वही गवर्नर जनरल राजा जी था। अगर ब्रिटिश चाहती तो उनको सौंप देती ना ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मगर ऐसा नहीं किया क्योंकि प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट। तो दोस्तों क्या साबित करना चाहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को ही ट्रांसफ़र ऑफ पावर दीता जाए दे क्या? तो अपोजिशन को मैं पूछना चाहती हूँ, नेहरू जो लुटियंस लॉबी के द्वारा चुने गए उनके लिए एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क होगी और मोदी जी के लिए अलग होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसीलिए जनता डायरेक्टली नहीं चुनती, इसीलिए वो ये ऐसे कार्यक्रम में नहीं आती है। मगर फिर भी ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो नेहरू के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगी, मोदी जी के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगी इनके राय में। तो बात इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही जब सारे कार्यक्रम करते हैं तो ये कार्यक्रम के लिए क्या वो वहाँ से आएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट का एक डेकोरम होती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लोअर हाउस और अपर हाउस का इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको एक सब्जेक्ट में एक्सेलेंस क्यों सोचा है ऐसा अम्बेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था कि प्राइम मिनिस्टर कोर्ट्स में अगर कुछ है तो भी तो किसी को कंसर्न करना है, हमारे ऊपर एक और अथॉरिटी है ऐसा चल के मान के चलना है, तब इसीलिए प्रेसिडेंट का पोस्ट बनाए हैं। मगर ऐसा अगर हम अमेरिका देखें तो वहाँ तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुना जाते हैं, मगर यहाँ पे इंडिया में इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक सब्जेक्ट में एक्सेलेंसी होते हैं और उनको ये पॉलिटिक्स से जुड़े होना ज़रूरी नहीं है, वो जुड़े नहीं हैं तो भी वो प्रेसिडेंट के बनने के लिए लायक होते हैं।
तो ऐसे प्रेसिडेंट बनने वाले इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही सब कार्यक्रम होते हैं क्या? ये छोटी छोटी बातों के लिए वो आकर इनॉग्रेट करते हैं, उनका एक डेकोरम होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जाके वो उनको सारे सबमिट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव, उनका एग्जीक्यूटिव है, तो वो काम करते हैं और वो उनको यस या नो पर वो लोग साइन करते हैं। तो प्रेसिडेंट का फ्रेमवर्क सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इतना ही रखा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को, ना ही 14 अगस्त 1950 को हमको प्रेसिडेंट ही नहीं थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ल्यूटियंस लॉ भी दिल्ली पत्रकारों के लिए, दिल्ली के ये लोग के लिए अलग होती है, मोदी जी के लिए अलग होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इनको खारिज किया। रही बात कल मोदी जी ने एक फाइनेस्ट बात करी कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहे गए कि एक्चुअली दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कोई है तो भारत देश है, क्योंकि ऐसे ल्यूटियंस लॉबी को जो चुबक रही है न्यू ओपन पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए क्यों है वो है, सारे रफेल डील से तक यहाँ तक आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लोग के लिए जब चुपती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ही नहीं आए हैं वो, हिंदुइज्म और हिंदू सभ्यता और भारत देश को पढ़ के आए हैं, इसीलिए उन्होंने कल कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत देश है, क्योंकि उन्होंने लुटियंस लॉबी से सत्ता चलाने वाले गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं वो, उन्होंने इंद्र सभा की इंद्रदेव से सीख के आए हैं कि कैसे अपने शत्रु को पास रखते हुए जनता जनार्दन का कल्याण करें। तो इंद्र सभा का इसका एग्जाम्पल है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत इसीलिए कहा गया है कि किसी और सिविलाइजेशन में हमको देखने नहीं मिलता कि कभी अपोजिशन एग्जिस्टिंग होती है, मगर इंद्र सभा से हम ये सीख सकते हैं कि ये पौराणिक गाथा नहीं है, ये डेमोक्रेसी का एक अद्भुत चिन्ह है कि इंद्रदेव एक तरफ बृहस्पति के साथ अपना कार्यवर्ग का गण लेके चलते हैं और दूसरी तरफ शुक्राचार्य के साथ उनका अपोजिशन भी ठहरती है। तो पहला सिविलाइजेशन है जो ये बात कहती है कि अपोजिशन के साथ ही चलना है, मगर अफसोस की बात है ये अपोजिशन के नाम पर कल टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में ये लोग उद्घाटन समारोह में आए ही नहीं, तो इनका बेवकूफ़ी यहाँ पे पकड़े जाती है। ये ल्यूटियंस लॉबी से सत्ता में आने वाले को चमचागिरी करने में ही अब तक 75 ईयर्स अमृतकाल तक ये लोग बिताए हैं, इसीलिए उन लोग समझते हैं कम्युनिज्म ही डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म डेमोक्रेसी नहीं है। जब हिंदुइज्म आए तो कम्युनिज्म कहीं पे भी नहीं रहेगी, तो ये अगली बार जब पार्लियामेंट बिल्डिंग में कदम रखे तो उसको प्रणाम करके आओ, क्योंकि यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, नहीं तो जनता आपको वोट भी नहीं देगी।